अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम जंगल तुर्की। सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और मैंने अभी अपना नाश्ता ख़त्म किया है। 2-4 मैंने चाय पिए हैं और साथ में कॉफ़ी, तुर्किश कॉफ़ी, क्योंकि इससे ये एक एनर्जी आती है। और मैं आराम से इंशाल्लाह जो है ना अपनी राइड करूँगा। प्लान मेरा ये है कि आज मैं बहुत लंबी राइड नहीं रख रहा, सिर्फ जा रहा हूँ त्राबज़ोन की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है। गूगल के मुताबिक मुझे 1.5 से 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन ऑन एवरेज टाइम का यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं होता अक्सर, क्योंकि ब्लॉग वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज मैं दिन को कोशिश करूँगा कि बहुत लंबा ना हो, त्राबज़ोन पहुँचे और त्राबज़ोन में जो मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा उसके पास एक मॉनेस्ट्री है बहुत खूबसूरत, वहाँ जाना है। और साथ में मैंने अपना कुछ बाइक का काम करवाना है। इस्तांबुल में मेरे बाइक का ऑयल और फ़िल्टर तो उन्होंने चेंज कर दिया था, लेकिन हर 10,000 किलोमीटर के बाद मैंने अपनी बाइक की सर्विस करवानी होती है, तो वो मेरी बाइक की सर्विस ड्यू है। तो मुझे आज BMW के पास जाना है और उनको अपनी बाइक देनी कि भाई इसकी सर्विस करो। सो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर करते हैं अपना दिन स्टार्ट और निकलते हैं इस होटल से बाहर। और बाइक मेरी बाहर रेडी है, सामान मैंने ऑलमोस्ट जो है ना अपना सारा पैक कर दिया है, तो उसको बाइक के ऊपर लगाते हैं और निकलते हैं। को पे करना है मेरे ख्याल में, मैंने अभी तक आई हैवंट पेड येट। यस 200 कार्ड कैश कैश ओनली शुक्र। मैं कोशिश करता हूँ कि कार्ड से पे करूँ, क्योंकि मसला ये कार्ड के साथ पे ना करने का, जब आपको कैश चाहिए होती कैश होती नहीं है। और तुर्की में जब भी आपने कैश ATM से निकलवाना होता आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं, उसके 5-6 यूरो ले लेते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि कार्ड से पे किया जाए। सो फाइनली सामान वगैरह लग गया और अब हम निकलते हैं त्राबज़ोन की तरफ। रास्ते में एक दो छोटी मोटी ब्रेक लेंगे जहाँ पे कुछ चीज़ देखने के लिए खूबसूरत नज़र आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह खैर खरीय से लेके जाएंगे। से पहले लेक की तरफ जाएंगे और उसके साथ ही रोड जा रही है आगे त्राबज़ोन की तरफ। ये अब हम त्राबज़ोन की रोड पे लग गए हैं और ये एस्फाल्ट रोड कुछ अर्सा पहले ही बनी थी, जब से यहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट हुई है उससे पहले ये भी कच्ची रोड थी। बारिश स्टार्ट हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत हमें तंग नहीं करेगी, बारिश ज़्यादा नहीं होगी। अभी तो छोटी मोटी कणियाँ पड़ रही हैं, किन मिन हो रही है पंजाबी में मतलब कहते होते हैं, कणियाँ पहनी हमें छोटियाँ छोटियाँ। वो मॉस्क जो है ना यार, उसकी बहुत आला लोकेशन है। कल से मैं प्लान बना रहा हूँ कि वहाँ पे ड्रोन उड़ाना है। कल बैटरी ख़त्म थी और आज बारिश हो रही है। चाह रहा हूँ कि अभी बारिश जो है वो जैसे जैसे तेज़ हो रही है, कोशिश कर रहा हूँ कि इस रीजन से निकल जाऊँ। ये रीजन मेरा अभी तक का तुर्की का सबसे फेवरेट रीजन है और मेरे ख्याल में जैसे मैं और थोड़ा सा ऊपर जॉर्जिया के बॉर्डर की तरफ जाऊँगा सीनरी और थोड़ी बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो होप मे भी मेरा जो
अभी का फेवरेट है वो चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक के रीजन्स में से सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है। जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए, और स्पेशली ये लोग बेच रहे होते शहद। इस रीजन का शहद बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा समझा जाता है। अगर आप यहाँ पे आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। लो जी, अब हम आ गए हैं ब्लैक सी पे। इस्तांबुल में भी देखी है ब्लैक सी तो वैसे लेकिन इस एरिया में पहली बार आया हूँ। क्योंकि मैं अभी त्रापसन से ज़्यादा दूर नहीं हूँ तो मैंने सोचा यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी सी यहाँ की सीनरी इन्जॉय करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ही होटल वगैरह मैं बुक करता हूँ। यहाँ से मुझे लगेंगे तकरीबन 30 मिनट त्रापसन, और अगर मेरे पास एक एड्रेस होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो आसानी हो जाएगी, फिर मुझे बार बार रास्ते में रोकना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने ब्रेक का फ़ायदा उठाते हुए अपना होटल बुक कर लिया है, त्रापसन सिटी सेंटर के बिल्कुल अंदर है। तो अभी यहाँ पे मैंने मंगवाया अपने लिए, क्या से कहते हैं, तरबूज कहते हैं आई थिंक, ये वाटरमेलन को वो मंगवाया क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। साथ में चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम त्रापसन की तरफ। ये काफ़ी खूबसूरत रीजन रगेला, स्पेशली मुझे हिल टॉप के ऊपर जो छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगे थे। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर नाइट स्टे कर लूँ उन्हीं के अंदर, लेकिन क्योंकि मुझे त्रापसन जाना है BMW वालों के पास, इसलिए मैंने कहा चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे भी मे भी किसी और दिन जो है इनमें स्टे कर सकता है बंदा, होपफुली कि इसी के साथ साथ और भी किसी जगहों पे हों ऐसे। तरबूज जो मैंने यहाँ पे खाया था यार, बहुत ही आला, लिटरली जो उसका टेस्ट था ना, सुपरमार्केट्स वगैरह में बहुत कम होता है कि आपको इस तरह की क्वालिटी मिले, तो मज़ा आया खाने का। अभी मुझे यहाँ से 30-40 मिनट लगेंगे त्रापसन पहुँचते हुए, और आराम सुकून से अपनी राइड इंजॉय करते जाते हैं। अभी मैं आई थिंक यहाँ से राइट होना है, नेविगेशन के पीछे धूप पड़ रही है और मुझे नज़र नहीं आ रही। ये आगे जी इसकी पोर्ट, यहाँ पे काफ़ी बड़ी पोर्ट है त्रापसन में, क्योंकि ये ब्लैक सी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो मोस्टली जो यूक्रेन रशिया वगैरह के साथ वो इस सिटी से होती है। ध्यान रखना है कि कहीं गलत रोड में ना पड़ जाएँ हम लोग। ये आ गया जी होटल, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। One person? Yes, one person. We have economic room. Yeah. A small for one person. It's yeah. Just rough like this, you know. Yeah, it's okay. With breakfast, take a bit. Yes. 130. ये है जी अपना छोटा सा इकोनॉमिकल रूम, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और मुझे को बहुत बड़ा रूम चाहिए भी नहीं था। एक रात गुजारनी है तो एक रात के लिए फिट है, और अगर मैंने प्लान बनाया कि मैंने एक रात और गुजारनी है तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ से सामने पोर्ट का व्यू भी है और साथ में समंदर भी नज़र आ रहा है,
तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं बगैर टाइम ज़ाया किए यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, सुमेला मॉनेस्ट्री, जो हिल टॉप के ऊपर बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत उसकी लोकेशन है। वहाँ पे जाने के लिए मुझे तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अभी निकलूँ और उसके बाद शाम को जब वापस आऊँगा या अगर कल सुबह मेरे पास टाइम होता है तो हम लोग सिटी एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ से लगेगा हमें पूरा एक घंटा जाते हुए तकरीबन 37-38 किलोमीटर है। और मैं सोच रहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी टाइम यहाँ से लगेगा। और कोशिश होगी कि 5 बजे कह रहे हैं कि बंद हो जाएगी और अभी 3 बजे हैं, तो एक घंटे में हम पहुँच जाएंगे 4, और एक घंटा हमारे पास होगा उसको एक्सप्लोर करने का। क्योंकि अगर अंदर से बंद हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा यार। सुना है कि अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, वैसे तो उसकी लोकेशन बाहर से बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर बंदा इतनी मेहनत करके इतना दूर जा रहा है तो अंदर से भी देखनी चाहिए। चेक करें, बहुत खूबसूरत रोड है मॉनेस्ट्री की तरफ जाते हुए, छोटे छोटे से कर्व्स हैं लेकिन बहुत बहुत आला। बस एक मसला है कि यहाँ पे अब बादल है इतने आगे हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि हम बारिश में फंसेंगे। और मतलब मैंने जो अपना रेनकोट और इस तरह की चीज़ें हैं वो मैं रख के आ गया हूँ, मुझे था कि मौसम ठीक है, अब क्या साथ रखना है, ये नहीं पता था कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मौसम ख़राब है। तो वो होता है ना कि हवा में एक फील आ जाती है, एक स्मेल ही होती है बारिश की, वो मुझे यहाँ पे आना शुरू हो गई है। ये साथ मैंने बोल रही है तो बारिश स्टार्ट भी हो गई है। लो भाई, और अभी हमने तकरीबन 11 किलोमीटर और राइड करनी है, मे भी थोड़ा सा आगे जाके बारिश जो रुक जाए, अल्लाह करे रुक जाए यार, लेकिन रीजन बहुत खूबसूरत है ये। मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि राइड इतनी खूबसूरत होगी। फाइनली मैं सुमेला मॉनेस्ट्री पहुंचा, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मॉनेस्ट्री है। सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, ये 386 में बनी है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेट है वो किसी को नहीं पता। ग्रीक अथॉरिटीज़ कुछ और कहती हैं और तुर्किश अथॉरिटीज़ कुछ और कहती हैं, लेकिन क्योंकि ये तुर्की में, इसलिए हम तुर्किश अथॉरिटीज़ का कहना जो है ना उसके वो मानते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रीक पॉपुलेशन थी, लेकिन जब बाद में ऑटोमन्स का दौर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम के सुल्तान ने इनको आज़ादी दे दी थी कि ये अपना रिलीजन, अपनी मॉनेस्ट्री इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी बाद में जितने सुल्तान हैं उन्होंने सेम वही ट्रेडिशन कंटिन्यू किया और उनको वही राइट्स दिए। अनटिल 1923 उस टाइम पे यहाँ पे जितनी ग्रीस पॉपुलेशन थी उनको कहा गया था कि वो एरिया छोड़ के यहाँ से चले जाएं, तो उनको फोर्स्ड किया गया था, तो वो लोग सारे यहाँ से चले गए थे। और उसके बाद मॉनेस्ट्री की काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई, लोगों ने अंदर से चीज़ें वगैरह लूटना शुरू कर दी। लेकिन 2012 में तुर्किश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया और दोबारा से यहाँ पे अब टूरिज़्म आना शुरू हो गई है। मोस्टली जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं और रशियन वो दोबारा यहाँ पे आना शुरू हो गए, और इसके जो सारे पैसे हैं ये सारा यहाँ पे स्ट्रगल करने के, यानी कि वो इसका जो व्यू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है, बिल्कुल फॉग से भरा पड़ा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ तस्वीरें और लगी हुई हैं सामने बोर्ड पे, तो आप चल के वो देखते हैं। नॉर्मल डेज में जब मौसम बिल्कुल क्लियर हो तो आपके पास ये व्यू होना चाहिए। और चेक करें इसकी लोकेशन, मसला ये है कि अभी हम लोग हैं यहाँ पे इस लोकेशन पे, और ये वाला जो आगे वाला सारा पार्ट है ये रेस्टोरेशन यहाँ पे हो रही है, ये उन्होंने पूरा क्लोज करके रख दिया है। और अभी क्योंकि मैं ड्रोन फुटेज ले नहीं सकता, तो आप ये चेक करें, ऐसे ऐसे इमेजिन करें कि आप ड्रोन से देख रहे हैं इसको,
और अंदर से जो है वो ये फुटेज आनी चाहिए और अंदर हम जा नहीं सकते, और ये इसका मॉडल है यहाँ पे। My name is Nurefsha. My name is Hamza. My Instagram name is yes, yes. PM says Cik. And yours? And Hafsa point Keskin 61. सो बाइक की सर्विस हमारी हो गई है कंप्लीट, और आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू लग रही है। काफ़ी मेहनत की है इसको साफ करने में। थैंक यू, तशक्कुर। बहुत अच्छे लोग थे यार, इन्होंने काफ़ी मेहनत से साफ़ किया। बाइक की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इन्होंने खूब 3-4 बार इसको साफ़ करना पड़ा। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ त्रापसन की हाया सोफिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगर वो म्यूज़ियम खुला है या बंद है। अगर तो खुला हुआ तो अंदर चले जाएंगे, अगर बंद है तो सेंटर में घूमे फिरेंगे, खाना वगैरह खाते हैं वहाँ से। ये मेरे जो सामने अभी आप देख रहे हैं ये वाली है। यहाँ पे अभी कहीं पे भी पार्किंग मिलती है तो खड़ी कर देते हैं इसको। बाइक का ये फ़ायदा है कि हमें बहुत ज़्यादा पार्किंग की जगह नहीं, ये बाइकर खड़े हैं इनके आसपास में कहीं खड़ी कर देते हैं। हेलन जी आप पढ़ लें, हाया सोफिया म्यूज़ियम मॉस्क वाज क्लोज्ड टू द विजिटर ड्यू टू रेस्टोरेशन। आय अल्लाह, हाँ यहाँ पर हर जगह जहाँ पर जा रहा हो रेस्टोरेशन ही हो रही है, और ये सारा कुछ बंद कर देते हैं यार। चलो एटलीस्ट कैफे चलते हैं, चाय पीते हैं। त्रापसन का हाया सोफिया 12वीं सेंचुरी का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, लेकिन जब ऑटोमन्स ने सिटी को कंट्रोल लिया था तो इस चर्च को उन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था, और इसकी वॉल के ऊपर जो पेंटिंग्स वगैरह थी उनको छुपा दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो रशिया का इस सिटी के ऊपर कंट्रोल था, तो उन्होंने इस मॉस्क को एज ए डिपू या हॉस्पिटल के तौर पर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम के लिए उनका कंट्रोल रहा, उसके बाद दोबारा इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया, और 1964 में ये डिसीजन लिया कि मॉस्क को एज अ म्यूज़ियम बना दिया जाए। 2013 में कुछ रिलीजियस यहाँ के अथॉरिटीज़ ने दोबारा इसको मॉस्क में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको इलीगल है दोबारा मॉस्क में कन्वर्ट करना। तो तब से लेके अभी तक ये म्यूज़ियम है, और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, एक कैफ़े में बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, और साथ में ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये बड़ी जगहों पर मैंने देखी है, इसके ऊपर उन्होंने हेज़लनट डाल के दिए, तो मैंने सोचा चले ये खा के देखते हैं कि कैसी है, और रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जैसे थोड़ी लाइट बेहतर होगी तो कहीं और चलेंगे। अब प्लान ये है कि यहाँ पे है अतातुर्क म्यूजियम, जहाँ पे अतातुर्क साहब रहते थे, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, और होपफुली कि वो खुला होगा। इंटरनेट के मुताबिक तो वो खुला हुआ है, लेकिन इंटरनेट के मुताबिक हाया सोफिया भी खुला हुआ था। छा गया गूगल, घुमा के लंबे चक्कर से ले के आया, अभी तू हमें इधर से ले आ, हम उधर ही खड़े हुए हैं यार, हमें इतना लंबा चक्कर डलवाता है ये मुझे। अतातुर्क म्यूज़ियम सिटी से बाहर है, सिटी से बाहर मतलब मेरा कि सिटी सेंटर से बाहर है, हमें जाने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, 5 किलोमीटर है, इसी बहाने चलो हम सिटी से भी गुजर रहेंगे। लेकिन अभी तक तो बहुत नॉर्मल सी पोर्ट सिटी लग रही है, कुछ ख़ास इसमें है नहीं, लेकिन जैसे ही आप त्रापसन से बाहर निकलते हो तो ऐसे लगता है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए हो, इतनी खूबसूरत सीनरी है यहाँ की, और यहाँ का मौसम सिटी का मौसम बाकी एरिया से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूरज निकला हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा सिटी से बाहर जैसे इनलैंड की तरफ जाएं, पहाड़ों की तरफ जाएं, तो वहाँ पे ये पीछे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, ये सारा एरिया वही है। सो हम लोग पहुँच गए हैं, अब देखना ये कि हम लोग अपना बाइक जो है अपनी बाइक किधर खड़ी करें,
ये सामने है जो तातुर्क म्यूजियम। सबसे पहले यहाँ से टिकट ले लें। तशक्कुर। So, इसके हमने दिए हैं जी 10 लीरा। अभी मैं अतातुर्क पवेलियन या अतातुर्क म्यूज़ियम के बाहर खड़ा हूँ। बेसिकली जब तुर्की की बुनियादें रखी गई थी रिपब्लिक ऑफ तुर्की की, तो 1924 में अतातुर्क फर्स्ट टाइम तराबज़न आया था, तो उसने यहाँ पे स्टे किया था। ये एक प्राइवेट लॉज होती थी और उसको बहुत जगह पसंद आई थी, तो सिटी वालों ने बाद में ख़रीद के उनको गिफ्ट दी थी। तो यहाँ पर अभी रूम से बने हुए हैं जहाँ पर वो उन्होंने स्टे किया था, क्योंकि उनकी मेन जो थी अकोमोडेशन थी वो दोलम पाचे कैसल आई थिंक इस्तांबुल में थी, और यहाँ पर छुट्टियों वगैरह में वो अपनी फैमिली के साथ आते, तो अच्छी जगह मतलब आया। अंदर से देख सकते जिस तरह रूम्स वगैरह हैं जैसे वो रहते थे यहाँ पे। अतातुर्क ने मॉडर्न तुर्की की बुनियादें रखी थी, और 1923 से लेकर 1928 तक तुर्की के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं जब इनकी वफ़ात हुई थी। बेसिकली जब सल्तनत उस्मानिया गिरी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो अलाइज थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया वगैरह, वो चाहते थे कि तुर्की के टुकड़े और वो अपने आप में उसको बांट लें। लेकिन इन्होंने एक मूवमेंट चलाई और इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि तुर्की को डिवाइड किया जाए, और उसको चाहते थे कि ये यूनाइट रहे। और जब बाद में ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ की जो लैंग्वेज थी तुर्किश, ये लिखते थे अरबिक अल्फ़ाबेट में, तो उसको चेंज करके इन्होंने लैटिन में कर दिया। फिर औरतों को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए। उस दौर में वेस्ट में औरतों के पास वोटिंग राइट्स या बहुत ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस की तुर्की में। साथ में ये चाहते थे कि तुर्की की जो पॉलिटिक्स है और रिलीजन है वो थोड़ा सा दूर रहें, वो एक तुर्की को सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। तो उन्होंने औरतों पर पाबंदी लगा दी कि अगर वो यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं तो वहाँ पर उनके सर के ऊपर स्कार्फ वगैरह लेने की इजाज़त नहीं थी। साथ में माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी प्रेशर था कि अगर वो बाहर निकलें या बाहर पब्लिक में कोई लैंग्वेज बोलें तो वो तुर्किश होनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। और इनको फादर ऑफ तुर्क्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो नाम है अतातुर्क वो बेसिकली इनका टाइटल है जो पार्लियामेंट ने इनको दिया था। इनका सही नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में आर्मी में थे और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जी दोबारा सुमेला मॉनेस्ट्री की तरफ, क्योंकि कल आपको पता है कि मौसम बहुत ही ख़राब था और आज मौसम बहुत अच्छा है। मैंने सोचा क्योंकि त्राबज़न सिटी के अंदर देखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो क्यों ना एक घंटे की राइड है वो दोबारा की जाए, क्योंकि राइड एक तो ये बहुत मज़े की है। यहाँ के कर्व्स बहुत खूबसूरत हैं, और अगर मौसम ऊपर अच्छा मिला, और इस टाइम जो है तकरीबन 6:10 हो गए, जब मैं उधर पहुँचूँगा 6:30 हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो दो लड़के थे तुर्किश वो यहाँ पे आए थे तकरीबन 6:30-7 के करीब, और कह रहे थे कोई बंदा नहीं था और उन्होंने यहाँ पे ड्रोन अपना उड़ाया है। उनके पास छोटा सा एक स्पार्क है, उसकी तो क्वालिटी खास नहीं है। मैंने कहा आज फिर ख्वारी करके चलते हैं दोबारा। एक घंटे की राइड है, एक घंटा जाना एक आना, और राइड अच्छी है तो इसलिए मैंने कहा चलो खैर है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी शॉट्स आएँगी। व्यू मुझे यहाँ से मिला है, मॉनेस्ट्री की लोकेशन लिटरली बहुत प्यारी है। और इससे पहले कि कोई आए, जल्दी जल्दी से ड्रोन शॉट्स लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से।
तुर्की में मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लोग ब्लैक सी रीजन के लगे हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। अभी मैं बैठा हूँ कैमरे में बात कर रहा हूँ और लोग जो है ना वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं क्या, लेकिन हंस रहे हैं। उनका ये अंदाज़ होता है कि आपको कोई कोई ना गलत नज़र से नहीं देख रहा, वो देख रहे, दिलचस्पी ले रहे होते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। मेरे ख्याल में त्राबज़ोन का रीजन जो है सिटी एज सच कुछ ख़ास नहीं, लेकिन जैसे ही आप सिटी से बाहर जाएंगे आपको ऐसा लगता है जैसे स्विट्ज़रलैंड ऑन स्टीरॉयड। इस ये मतलब मेरा कहने का ये कि आप अगर 5 यूरो खर्च करोगे तो आपको 50 यूरो का रिटर्न मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत चीप है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में जाओगे तो आप कॉफ़ी पीने जाते हो तो आपको 5 यूरो लग जाते हैं, यहाँ पे आप चाय लोगे तो वो आपको 10 सेंट की मिल जाती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है, और अगर आप इस रीजन में आएँ तो त्राबज़ोन सिटी के अंदर कुछ नहीं, लेकिन ये कि बाहर बहुत ज़्यादा देखने के लिए, तो आप अपना टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छा गुजार सकते हैं। मेरा प्लान ये है कि मैं अगले कुछ दिन जो है ना अभी राइड करूँगा और ऊपर की तरफ जॉर्जिया के बॉर्डर की तरफ, और फिर अगर मुझे अगले कुछ दिनों में कन्फर्म हुआ कि मैं ईरान की तरफ राइड कर सकता हूँ तो मैं अपना सफ़र जो है ना ईरान की तरफ शुरू कर दूँगा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।